हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग को एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप लोग किसी भी वक्त चाहते हो कि एक फंड से आप लोग को दूसरा फंड को स्विच करने के लिए, या आप लोग के पास रेगुलर फंड है, आप लोग चाहते हो उसको डायरेक्ट फंड को स्विच करने के लिए, तो आपको उसको कैसे करना है, उसका क्या प्रोसीजर है, सारे चीज के बारे में आप लोग कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्ट टैब आप है, मैं आपको अभी ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है और मैं कौन कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट किया हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा एक ही फंड है, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हूँ। अगर आप लोग पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करते हो तो आप लोग यहाँ पे टोटल करंट वैल्यू आ जाएगा, इन्वेस्टेड अमाउंट आ जाएगा, एब्सोल्यूट रिटर्न क्या है, ये आपको ऑल स्कीम में मिल जाएगा। अगर आप लोग फोलियो के ऊपर क्लिक करते हो, कौन सा फोलियो में कितना सारा फंड है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि फंड को स्विच करने के लिए, तो फ्रेंड्स फंड स्विच करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। स्विच मतलब क्या है, मतलब आप लोग चाहते हो कि एक फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप लोग चाहते हो कि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, आप लोग कुछ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप दूसरा कोई एक स्कीम को अगर आप लोग चाहते हो उसको ट्रांसफर करने के लिए, तो आप लोग उसको आसानी से कर सकते हो। तो देखिए, अगर आप लोग चाहते हो उसको स्विच करने के लिए, तो स्विच करने के लिए आप लोग चाहोगे तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, जो ऑल स्कीम है। तो आप लोग जो म्यूचुअल फंड को चाहते हो स्विच करने के लिए उसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांजेक्टर नाम आ रहा है, उसके ऊपर भी आप लोग क्लिक करके उसको स्विच कर सकते हो। तो उस ट्रांजेक्टर नाम के ऊपर मैं अभी उसको क्लिक करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा इन्वेस्ट मोर रिडीम स्विच फंड आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, जो स्विच फंड है स्विच फंड के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट स्कीम टू स्विच टू, आप लोग जो स्कीम को चाहते हो स्विच करने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप का एक म्यूचुअल फंड मेरा चल रहा है, मैं चाहता हूँ एसबीआई स्मॉल कैप निफ्टी 250 को मैं चाहता हूँ उसको स्विच करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है, जो सिलेक्ट स्कीम टू स्विच टू है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग जो फंड को चाहते हो स्विच करने के लिए, तो आप लोग यहाँ पे रेगुलर से डायरेक्ट भी कर सकते हो या एक फंड से दूसरा फंड भी आप लोग उसको आसानी से स्विच कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे मैं जो फंड को चाहता हूँ स्विच करने के लिए उसको मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड आ रहा है। अगर आप लोग के पास एक ही फंड है, अगर आप लोग उस फंड को दोबारा सर्च करने के लिए जाओगे तो आपको वो फंड शो नहीं करेगा। अगर आप लोग का रेगुलर फंड है तो अभी आपको वो डायरेक्ट फंड शो करेगा। जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 है उसको मैं सर्च कर लिया हूँ। सर्च करने के बाद उसको मैं चाहता हूँ स्विच करने के लिए, तो यहाँ पे मैं उसको सिलेक्ट कर दिया हूँ। नीचे आपको आ रहा है सिलेक्ट स्कीम टू प्रोसीडर है, उसका आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए आ रहा है, देखिए अमाउंट आ रहा है और एक यूनिट आ रहा है। अगर आप लोग चाहते हो अमाउंट स्विच करने के लिए, मान लीजिए मैं चाहता हूँ 1 लाख या 2 लाख चाहता हूँ अमाउंट यहाँ से निकाल कर दूसरा फंड को मैं ट्रांसफर करने के लिए, तो आप लोग यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि कम्प्लीटली जितना मेरा यूनिट है उसको चाहते हो कि आपको टोटल स्विच करने के लिए, तो आपको देखना यूनिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। यूनिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे यूनिट भी डाल सकते हो, नहीं तो नीचे आपको क्या ऑप्शन आ रहा है, देखिए ऑल यूनिट से ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि सारे जितने इन्वेस्टमेंट है सारे इन्वेस्टमेंट को आपको दूसरा कोई फंड को स्विच करना है, तो आप लोग को ऑल यूनिट जो है उसको आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद नीचे के दिखा रहेगा ऑप्ट फॉर स्विच लेटर डेट, बाद में अगर कोई भी डेट सिलेक्ट करेंगे आप लोग उसको भी स्विच कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि उसको इमीडिएट स्विच करने के लिए, तो स्विच करने के लिए क्या है, नीचे से चेंज ऑप्शन है अगर, तो ये मेरा डायरेक्ट फंड है तो उसको चेंज ऑप्शन का ऊपर क्लिक करने का कोई जरूरत नहीं है। तो सारे सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जो प्रोसीड टू स्विच है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा यहाँ पे ऑर्डर कन्फर्मेशन आ जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कौन सा फंड से कौन सा फंड को आप लोग स्विच करो, डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका फोलियो नंबर वगैरह सारी चीजें आ जाएगी, तो आप लोग ये सारे चीज चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आपको यहाँ नीचे कन्फर्म है, कन्फर्म का ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद आपका जो मोबाइल है और आपका जो ईमेल है उसको एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को देखे आप लोग को सबमिट ओटीपी के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आपका जो कन्फर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कौन सा फंड हो गया, कितना यूनिट हो गया, सारे डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कौन सा फोलियो नंबर। अगर आप लोग गो टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हो अभी भी आपका जो फोलियो है फोलियो का वैल्यू आपको यहाँ पे शो करेगा। आप लोग उसको अगर रिफ्रेश करते हो तो आप लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हो ट्रांजेक्शन इज इन प्रोग्रेस आपको यहाँ पे आएगा। अगर आप लोग उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप लोग को अभी जो स्विच किए हो उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग को देख सकते हो स्टेटस जो है पेंडिंग है। तो फ्रेंड्स, एक फंड से दूसरा फंड का आपको स्विच करने के लिए मैक्सिमम आपको 3 दिन का टाइम लेता है। तो स्विच ऑप्शन में आपका क्या होता है, पहला चीज होगा आपका जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है वहां से आप लोग को स्विच आउट करते हैं। स्विच आउट मतलब आपका जितना यूनिट से है आप लोग को सेल होता है, उसके बाद दूसरा फंड से आपको परचेज करके वो यूनिट देता है। तो दोस्तों, ये सारे चीजें होने के लिए आपको 3 बिजनेस वर्किंग डेज लगता है मिनिमम, उसके अंदर में ये सारी चीजें हो जाएगा। तो दोस्तों, एक बार आप लोग ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपको ये कन्फर्मेशन मेल आ जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आपको मेल दिखाता हूँ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर को प्लेस किए, कौन सा फोलियो नंबर, ट्रांजेक्टर आईडी, कौन सा फंड, कौन सा स्कीम से कौन सा स्कीम का आप लोग को स्विच किए, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी ट्रेडिंग डे में
3 बजे का अंतर में आप लोग को सुईसी का रिक्वेस्ट प्लेस करता हूँ, तो आपका जो रिक्वेस्ट है उसी दिन आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट मतलब उसी दिन का जो एनएवी प्राइस है उसी दिन का एनएवी प्राइस है आपका यूनिट सेल हो जाएगा। तो सेल होने के बाद आपका यहाँ पे एक कंफर्मेशन मेल मिलेगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो कंफर्मेशन मेल है उसमें एक फाइल आएगा। अगर आप लोग उस फाइल को ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे आएगा स्विच आउट, देखिए मैं 12 तारीख को किया था तो ये जो स्टेटमेंट है 13 तारीख को मेरा जनरेट हुआ था। 13 तारीख में आप लोग यहाँ देख सकते हो कितना यूनिट मेरा स्विच हुआ है और कितना मेरा एसटीटी, आपको क्या क्या चार्जेस है मैं भी बाद में बता देता हूँ। एक बार आपका ट्रांजेक्शन मेल मिलने के बाद और एक बार आपका जो सेल स्विच आउट होने के बाद आप लोग अगर आपका पोर्टफोलियो जाकर देखोगे तो आपका जो वैल्यू है आपको 0 शो करेगा। आप लोग यहाँ देख सकते हो मेरा यहाँ पे 0 शो कर है। जब तक आपका स्विच इन का आपको मेल नहीं मिला है, आपका जब तक स्विच इन हुआ नहीं है तब तक आपका पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है आपको 0 शो करेगा। तो दोस्तों मेरा जो स्विच इन हुआ है 16 तारीख को हुआ है, तो 16 तारीख का जो एनएबी डेट है उसी एनएबी डेट में मेरा स्विच इन हुआ है, आप लोग यहाँ देख सकते हो। अगर आप लोग एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का जो एनएबी प्राइस देखो 16 तारीख को, तो आप लोग को इतना एनएबी प्राइस मिलेगा 15.8669। टोटल अमाउंट मेरा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है और कितना चार्जेस लगा, तो आपको ये सारी चीजें आपको मेल में मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको सिंपल कर देता हूँ, आपको क्या क्या चीजें आपका डेबिट होगा कितना आपको क्रेडिट होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा जो स्विच आउट का जो कंडीशन हुआ था टोटल यूनिट मेरा था 1470 मेरा यूनिट था, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरा 1.5 लाख का है। तो जिस दिन मैं स्विच किया उस दिन का जो एनएवी प्राइस में मेरे को सेल जितना हुआ तो सेल प्राइस था 160.2106, आप लोग यहाँ पे नीचे भी देख सकते हो। तो टोटल अमाउंट अगर सेल करने के बाद मेरे को कितना हो रहा है 2,41,468। उसके बाद आपको यहाँ पे चार्जेस लगेगा, एक होता है एसटीटी चार्जेस होता है, सिक्योरिटी कुछ चार्जेस होता है जो लगेगा कि 0.001%, अब टोटल अमाउंट 2.41 रुपीज लगा, और एक होता है एग्जिट लोड होता है। तो दोस्तों अगर आप लोग किसी भी फंड से स्विच करते हो तो उस फंड का जो एग्जिट लोड आपको चेक करना है, एग्जिट लोड कितना है और क्या क्या कंडीशन है। अगर आप लोग एसबीआई स्मॉल कैप से स्विच करते हो तो आपका जो लास्ट 1 ईयर में जितना यूनिट आपको अलर्ट हुआ है उसका 1% आपको चार्जेस लगता है। तो ये सारे चार्जेस कटने के बाद अगर आप लोग देखोगे तो आपको कितना हुआ, देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्विच इन का टाइम है, तो टोटल अमाउंट मेरा सारे चार्जेस कटने के बाद टोटल हो गया 2,41,029 रुपीज हो गया, क्योंकि पहले मेरा कितना रुपीज था 2,41,468 रुपीज था। चार्जेस सारे डेबिट होने के बाद मेरे को टोटल अमाउंट हुआ 2,41,029 रुपीज। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 0.005% आपका स्टाम्प ड्यूटी लगता है परचेस में, और आपका जो स्विच इन का जो एनएबी देखो जो 16 तारीख का जो एनएबी है 15.8669 हो गया, टोटल यूनिट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से आपका स्विच आउट और स्विच इन का तो डिटेल आप लोग को जान सकते हो। तो दोस्तों एक बार आपका स्विच इन होने के बाद आपका पोर्टफोलियो में क्या दिखा है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको 17 तारीख को लॉगिन करके आपको शो कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू कितना है और इन्वेस्टेड वैल्यू आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप लोग पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एसबीआई निफ्टी 50 आपको यहाँ पे देख सकते हो ऑल स्क्रीन में। अगर आप लोग उसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए सी मोर का डिटेल के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना अमाउंट मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है और कितना यूनिट मेरे को यहाँ पे मिला है, आप सारे चीजें यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों एक चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए, तो दोस्तों अगर आप लोग का कोई एग्जिस्टिंग एसआईपी चला रहा है और उस एसआईपी का जो पोर्टफोलियो का वैल्यू आप लोग स्विच करते हो तो अभी आपका एसआईपी बंद नहीं होगा, क्योंकि आपका एसआईपी कंटिन्यू होगा, आपका जो अमाउंट है वो सिर्फ स्विच हो गया। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि उस एसआईपी को बंद करें तो आप लोग उसको बंद करके यहाँ पे भी कोई भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग को जो एसबीआई म्यूचुअल फंड स्विच कर सकते हो, और स्विच करने का क्या क्या है तरीका है मैं आपको बता दिया, कितना क्या चार्जेस है ये सारी चीज मैं आपको बता दिया हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग का कोई भी डाउट है आप लोग मेरे को फेसबुक में आप लोग मैसेज कर सकते हो, नहीं तो मेरा टेलीग्राम आईडी भी यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप लोग कोई कहीं से भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। दोस्तों अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।